हेलो दोस्तों, गोयल टेक्निकल्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अदाजी सेल में आने वाली दिक्कत के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी बी अली भाइयों को पता ही है कि हमें पिछले 4-5 दिनों से अदाजी सेल को लॉगिन करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका हम कारण बताएंगे और इसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूँगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहले तो मैं इस एरर के बारे में बता दूं जो हमें एरर आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब हम दाजू सेल को लॉगिन करते हो तो सबसे पहले हमें ये एरर आता है। इस एरर के बारे में बता दूँ कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों, इस एरर का मतलब है कि हमारी आधार कार्ड की जो आईडी थी आधार जूसल की, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है यूआईडीआई की तरफ से। जितने भी आधार जूसल की आधार ऑपरेटर की आईडी थी, उन सभी को यूआईडीआई की तरफ से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को, अगर आप में से कोई भी आधार जूसल का काम करना चाहता है तो आप सभी को गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप आधार जूसल का काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप दाजू सेल का काम करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट परमिशन ले लें। पर दोस्तों, मेरी सलाह है तो यही है कि आप दाजू सेल का काम ना ही करें, इससे अच्छा आप अपने सीएससी सेंटर पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट परमिशन पर जाएंगे तो वहां पर जाकर आप सीएससी का कोई काम नहीं कर सकेंगे और आपको सिर्फ आधार का काम ही करना पड़ेगा, जिससे आपकी इनकम में भी फर्क पड़ेगा और आपकी इनकम कुछ भी नहीं होगी। और एक बात और बता दूं आपको, आप अगर गवर्नमेंट पोजिशन में जाएंगे तो आपको वहां पर सिर्फ 25 रुपीज लेने पड़ेंगे, जिसमें से सीएससी को 10 रुपये देने पड़ेंगे और आपके पास सिर्फ 15 रुपये ही बचेंगे, जिससे आपका खर्चा नहीं निकलेगा और आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि आप अपने सीएससी सेंटर पर ही ध्यान दें, ना कि जूसीएल पर। अगर आप फिर भी अपना जूसीएल को चलाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाकर गवर्नमेंट परमिशन ले लें और आपकी जूसीएल पर काम करना शुरू कर दें और आपका जूसीएल चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बी अली भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ कि अगर आप जूसीएल का काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।